एक आलिम दीन दुनिया से चले जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, लेकिन उनका फैज बाकी रहता है जी। तो इनके जो फ्यूज हैं वो तो इनके लाखों हजारों शागिर्दों की सूरत के अंदर, तलबा की सूरत के अंदर पूरी दुनिया में फैल रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, इंग्लैंड में उनके शागिर्द हैं, यूरोप में, अमेरिका में, अरब कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका में, पूरी दुनिया उनके शागिर्दों से भरी पड़ी है। रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब इस्कंदर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आज सुबह इंतकाल हुआ, उनकी ज़िंदगी के हवाले से और जो उनकी काविशें थी इस्लाम के हवाले से, उस पर वो गुफ्तगू कर रहे थे और अपने तालिबे इल्मी के दौर को याद कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब, जो कि मशहूर मारूफ शख्सियत हैं और आप सब हजरात माशाल्लाह मुख्तलिफ शोज़ में उनको देखते रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए वो मीडिया से या टीवी से आउट हैं, लेकिन आज हमारी पुरजोर इसरार पर उनको हमने दावत दी। और आप ऑक्सफोर्ड की मदीना मस्जिद के इमाम हैं और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े आलिम दीन हैं। तो हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, सबसे पहले तो बहुत अफसोस हज़रत मौलाना डॉक्टर साहब का कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मराती बता फरमाए। तो आप उनके हवाले से कुछ गुजारिशात पेश करें हमारे नाज़रीन के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ही ताज़ियत करता हूँ, इसलिए कि आप हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब के शागिर्द रहे हैं जी। और हम भी उनके शागिर्द हैं, जितने भी उलमा हैं ये सब उनके ही शागिर्द हैं जी। अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब को एक ख़ास खसूसियत ये अता फरमाई कि हमने सबसे बचपन में उला में सबसे पहले उनकी किताब पढ़ी थी, तरीक़तुल अस्सिया। बिल्कुल, इब्तिदा ही हमने उनकी किताब से की थी। और पाकिस्तान में विसाख के जितने मदारिस हैं, जितने उलमा मदारिस जामियात से पढ़ते हैं, वो तरीक़तुल अस्सिया ज़रूर पढ़ते हैं। तो इस तरह गोया जितने भी उलमा हैं वो उनके शागिर्द बन जाते हैं। बिल्कुल, हम उनके अपने उस्ताद ही समझते हैं और हम सबके उस्ताद थे, हमारे बुजुर्ग थे जी। जाने का बड़ा अफसोस है जी। अल्लाह ताला तमाम उनके पसमंदगान को, जो उलमा है, तलबा है, सबको सब्र जदीद अता फरमाए, आमीन। और इसमें कोई शक नहीं है कि एक आलिम दीन की वफात से बहुत बड़ा खला पड़ता जी। और वो तो अल्लाह ताला ने उनको, बाज़ उलमा ऐसे होते हैं जिनके अंदर, जिनको अल्लाह ने सिफात अता की होती है, और बाज़ उलमा ऐसे होते हैं जो मजबूए सिफात होते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने उनको गुनागू सिफात अता फरमाई थी, इल्म भी था उनके अंदर, तकवा भी था, इखलास भी था, लिल्लाहियत थी, एक रब्बानी और जलील आलिम थे। और उन्होंने पहले तो खुद इल्म हासिल किया, एक गांव से, इब्ताबाद के गांव से उठे और फिर वो उलूम हासिल करने के लिए उनके मुख्तलिफ शहरों में गए, फिर वो मदीना यूनिवर्सिटी गए, फिर जाम अज़हर गए और फिर सारी जिंदगी दीन की खिदमत करते रहे जी। और जामियतुल उलूम इस्लामी अल्लामा बिन नूरी टाउन के मोहतमिम थे, शेखुल हदीस थे, रिफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सदर थे और खत्म नबूवत के लिए उनकी बड़ी खिदमात है जी। अल्लाह ताला ने उनसे बड़ी खिदमात की, एक बहुत बड़ी तारीख रकम है। और जो उनका फैज है वो इंशाल्लाह क्यामत तक जारी रहेगा बेशक। एक आलिम दीन दुनिया से चले जाते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, लेकिन उनका फैज बाकी रहता है जी। तो इनके जो फ्यूज हैं वो तो इनके लाखों हजारों शागिर्दों की सूरत के अंदर, तलबा की सूरत के अंदर पूरी दुनिया में फैल रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, इंग्लैंड में उनके शागिर्द हैं, यूरोप में, अमेरिका में, अरब कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका में,
पूरी दुनिया उनके शागिर्दों से भरी पड़ी है जी। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान फौत हो जाता है तो इनकता अनहु अमल तो उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के बारे में फरमाया कि और उनमें से एक खुशनसीब वो है जो आलिम दीन जिसके वफात के बाद उसके इल्म से लोग फायदा उठाते हैं जी, वो उसके लिए वो सवाब और वो अजर लिखा जाता है जी। आलिम दीन दुनिया में जो बनते हैं वो अल्लामा इकबाल ने कहा था हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पे, बड़े मुश्किलात के बाद इतने बड़े बड़े उलमा बनते हैं और फिर उनकी खिदमात होती है। उनके चले जाने से एक बज़ाहिर हम ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया, लेकिन अल्लाह पाक फिर उनके शागिर्दों से उनके जो फैज है वो दुनिया में आम करते हैं, वो सिलसिला जारी रखते हैं जी। ये एक सिलसिला जो उन्होंने कायम किया था ये चलता रहेगा। अलबत्ता ये बात अपनी जगह ठीक है कि एक आलिम जो बहुत बड़े आलिम हो उनके जाने से जो खला पैदा हो जाते थे उनकी वो जगह वो मुश्किल से पुर होती है। अब्बास रजी अल्लाह अनुमा फरमाते हैं कुरान करीम की एक आयत है अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्ब ननकुसुहा मिन अत्राफिहा। वो इस आयत की तफसीर में ये फरमाते हैं कि बज़ाहिर तो इस आयत का जो ज़ाहिरी मफहूम है तर्जुमा है वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या वो ये नहीं देखते कि हम जमीन को घटाते चले आते हैं, यानी जो कुफार की जमीन है उनको घटाते चले आते हैं उनके अतराफ से, और यानी जितनी फतूहत इस्लामी होती है तो उनकी जमीनें घटती चली जाती है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि एक तफसीर में ये फरमाते हैं कि खराब हुआ बेजहाब उलमा व फुकहा, जब जमीन में उलमा और फुकहा रुख्सत हो जाते हैं दुनिया से चले जाते हैं तो जमीन के अंदर उससे जमीन में खराबी पैदा होती है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होते हैं उलमा। और इसी आयत के ज़ेल में हाफिज इब्ने कसीर फरमाते अल अर्दु तहया, ये शेर उन्होंने लिखा है अरबी का शेर है, अल अर्दु तहया इज़ा मा आशा आलिमुहा मता यमुत आलिमुन मिनहा यमुत्तर, जब तक रूए जमीन पर आलिम दीन बाकी रहते हैं उनके वजूद से वो जमीन भी जिंदा रहती है, और जब वो फोत हो जाते हैं तो जमीन का वो हिस्सा भी फोत मर जाता है। तो उलमा एक बहुत बड़ी नेमत है इस उम्मत के लिए, तो हमारे लिए सबक सबके लिए है। इस हजरत की वफात तो हो गई, अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह हमें सबर की तौफीक अता फरमाए, लेकिन सबक हम सबके लिए उलमा के लिए भी है आवाम के लिए। आवाम के लिए सबसे बड़ा सबक ये वो उलमा जो उलमा है उन उलमा को अल्लाह की नेमत समझे, उन उलमा से इस्तेफादा करे जब तक वो जिंदा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हज़रत मौलाना ताउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती बातों का। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये आवाम की भी ज़िम्मेदारी है कि वो उलमा से राबता रखें और उनसे इस्तेफादा हासिल करें। और बहुत शुक्रिया हज़रत आपके टाइम का, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। इंशाल्लाह फिर अनकरीब आपसे गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।